नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप आई एस में। दोस्तों, आज की ये वीडियो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और लेजिस्लेशन है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा जितने भी स्टेट प्रीलिम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैं ये अश्योर करता हूँ कि कोई भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी लेजिस्लेशन आपका नहीं छूटने वाला है आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बेसिकली बाइलिंगुअल सीरीज़ है जिसमें पीपीटी इंग्लिश में होगी और एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद आप आईएएस, वी आर ब्रिंगिंग यू द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल इन होल मार्केट एंड यू विल नॉट गेट अ सिंगल क्वेश्चन असाइड इन द प्रीलिम्स 2020 ऑफ एनी स्टेट एनी पब्लिक सर्विस कमीशन आइदर ऑफ यूपीएससी फ्रॉम बिसाइड्स विच एवर कंटेंट वी आर गिविंग हेयर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही प्यारी बात लिखी गई है, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर में, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों, चलना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए चलने के लिए, आपको मदद करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आप आईएएस आ चुका है। तो दोस्तों, निश्चिंत रहें, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, द हिंदू, पीआईबी, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, इन सभी की सीरीज़ जो है प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव 2020 के लिए जो है वॉल्यूम जून से लेके सितंबर तक का जो वॉल्यूम है उस पर करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम लॉन्च कर चुके हैं, उनको जाके देख लीजिए। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव जो भी जुड़ना चाहें वो इस नंबर पर जाकर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, जो है हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इसका लिंक यहाँ पर दिखाया गया है, मैं अंत में ये स्लाइड आपके लिए छोड़ दूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इंडिया में लेजिस्लेशन की शुरुआत कैसे होती है, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, होता क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है 1972 में। तो यही जो होता है बेसिक जो होता है, इंडिया के जितने भी लॉज होते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड, उनको जो है ट्रिगर करने वाला यही होता है। तो बेसिकली देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 में, उसके बाद आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आता है, फिर आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, उसके बाद अंत में आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इन्हीं में जो होते हैं अमेंडमेंट होते रहते हैं और ये जो बिल हैं लगातार चेंज होते रहते हैं। तो आइए दोस्तों आगे जानते हैं कि ये एक्ट तो आए, अब ये एक्ट की शुरुआत कैसे हुई। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आता है वो क्या करता है दोस्तों, एक बेसिक फ्रेमवर्क सेट करता है जितना भी वाइल्ड लाइफ है उसके प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को जो है ये बेसिकली इस्टेब्लिश करता है। तो वाइल्ड लाइफ वार्डन इसमें जो होते हैं दोस्तों, स्टाफ को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा पहली बार इसमें ऐसा ये होता है कि देखिए, मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आपके लिए जो है येलो मार्क से जो है हाईलाइट भी किया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें एक्सीटू एरियाज़ में जो है इंक्लूड, जो एक्सीटू एरिया कंजर्वेशन होता है, देखिए कंजर्वेशन का जो मेथड होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इनसीटू, एक होता है एक्सीटू। इनसीटू मतलब जहाँ पे विद इन द एरिया, और ये होता है आउटसाइड द एरिया। जैसे कि मान लीजिए एक टाइगर रह रहा है रणथंभौर नेशनल पार्क में, तो उस टाइगर का उसी रणथंभौर नेशनल पार्क में जो है प्रिजर्वेशन वो कहलाता है इनसीटू। वहीं जब आप बात करते हैं ये टाइगर को हम शिफ्ट कर देते हैं सरिस्का रिजर्व में, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में जब इसे शिफ्ट किया तो ये कहलाएगा एक्सीटू। तो मुझे लगता है इनसीटू एक्सीटू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जब एक्सीटू इसमें इंक्लूड हुआ, इसके अलावा देखिए इसमें को दो बार अमेंड किया गया है। तो 1991 का जो अमेंडमेंट है, पहले क्या होता था, स्टेट्स को जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो होता है वाइल्ड लाइफ पार्क और नेशनल पार्क जो है डिफाइन करने की जो है थी पावर थी, मगर 1991 का अमेंडमेंट इसको पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। वहीं 2002 का जो अमेंडमेंट आता है तो ये कम्युनिटी रिजर्व को जो है वो डिफाइन करता है। कम्युनिटी रिजर्व बोले तो देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद भी कौन सा एक्ट आता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या होता है, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर दो तरीके के जो है उसमें, देखिए उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा देखिए होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें तो कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी गई, मगर अब आया क्या, अब आया फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या था, सबसे पहला था फॉरेस्ट ड्वेलर, दूसरा था ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर और तीसरा था अदर फॉरेस्ट ड्वेलर। तो इसमें देखिए ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो 10 साल से ऊपर, इसके ऊपर जो है आप राज्यसभा टीवी की डिबेट भी देख सकते हैं, और जो है हम आप आईएएस में उसका लिंक भी दे देंगे, एक वीडियो हम इसके ऊपर अलग से बना देंगे।
तो बेसिकली 2002 में जो होता है कम्युनिटी रिजर्व जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद देखिए कुछ बॉडीज़ बनती है दोस्तों इनको मैनेज करने के लिए, तो ये होती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो होती है, एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाती है जो कि प्राइम मिनिस्टर उसको जो है चेयर करते हैं। इसके अलावा जो होता है इसमें अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की बाउंड्री में एल्टरिंग होती है तो उसकी प्रायर अप्रूवल किससे लेनी होती है, थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा देखिए सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाई गई जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी थी जो कि जू पूरे देश में जितने भी जू हैं मतलब चिड़ियाघर हैं उनके मैनेजमेंट के लिए जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई। इसके अलावा देखिए WCCB बनाई गई 2007 के अमेंडमेंट से, और NTCA जो कि टाइगर का सेंसस हर 4 साल में जो है कंडक्ट करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत जो है ये की जाती है। दोस्तों ये जो है इसके नोट साथ साथ में बनाते चलिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इन्वायरमेंट में मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा UPSC या कोई भी स्टेट PCS कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों इस एक्ट में क्या थे, 6 शेड्यूल थे, शेड्यूल 1 और 2 जो थे उसमें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन किसी भी चीज़ को दी गई थी। उसके अलावा 3 और 4 में प्रोटेक्टेड बट लोअर प्रायोरिटी से जो है ये प्रोटेक्टेड थे। शेड्यूल 5 जो थी वो वर्मिन स्पीशीज़ की थी। वर्मिन स्पीशीज़ का मतलब वो कोई भी स्पीशीज़ जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में आपके हार्मफुल हो और फार्मर्स को जो है हार्म करे, इसके अलावा जो है जिनको मारा जा सके दोस्तों। तो इसके अलावा देखिए शेड्यूल 6 से जो है उसमें प्लांट स्पीशीज़ आई जो कि 1991 के अमेंडमेंट के बाद शेड्यूल 6 से जो है मतलब बनाई गई थी। तो दोस्तों इसके लिए जो है एक साइट्स कन्वेंशन था जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये साइट्स के बारे में हम आगे जानते हैं कि साइट्स क्या है। तो इससे पहले हम अभी बात कर रहे हैं केवल और केवल इंडियन लेजिस्लेशन की। तो आइए दोस्तों अगला लेजिस्लेशन जानते हैं भारत में। तो जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974 और 1988 के अमेंडमेंट की आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये बेसिकली एम करता था टू प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एंड वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट के थे वो ये थे कि इसके अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जो कि पूरे स्टेट में जो है वाटर के जो एफ्लुएंट स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस द फैक्ट्रीज उनको जो है एस्टेब्लिश करेगा। इसके अलावा देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है दोस्तों वो बनाया गया इन द यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज ऑल द स्टेट बोर्ड्स जो है बनाए गए जो कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकें इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो प्रोविज़न इस एक्ट में आता है इसमें क्या होता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो होता है वो पूरी पावर दी गई कि आप जो है पूरे सैंपल लेकर उसके पर्पस का जो है एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस अमेंडमेंट से पहले इसके मतलब 1988 में जो इसका अमेंडमेंट हुआ था इससे पहले जो है एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए जो था प्रोसिक्यूशन जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी इनिशिएट किया जा सकता था बोर्ड्स के द्वारा। इसके अलावा क्या होता है, 1988 के अमेंडमेंट जो होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है पावर देता है कि अगर कोई भी प्लांट आपका डिफ़ॉल्ट करता है तो आप उसको पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए आगे जानते हैं जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 था ये क्या था। तो इसने जो है ये 1977 में एक एक्ट गवर्नमेंट लाती है जिससे कि फाइनेंशियल रिसोर्स जो हैं सेंट्रल पोल्यूशन और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो हैं वो जो है हैंडल किए जा सकें। इस एक्ट में क्या होता है, इकोनॉमिक इंसेंटिव जो है वो बढ़ाए जाते हैं टू हैव पोल्यूशन कंट्रोल ओवर अ पर्टिकुलर रीजन। इसके अलावा देखिए लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनको कुछ डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रीज़ दे दी जाती हैं कि आप जो है इनसे जो है सेस ले सकते हैं इन द वाटर एफ्लुएंट डिस्चार्ज, यानी कि अगर कोई भी फैक्ट्री आपका जो है वाटर में जो है एफ्लुएंट्स यानी कि कोई भी गंदे प्रोडक्ट्स जो है वो डालती है तो आप उनसे जो है कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेस यू कैन आस्क फ्रॉम देम। तो इसके अलावा देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अपने एक्सपेंसेस का डिडक्शन के बाद जो है इसको जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और स्टेट को जो है वो जो भी नेसेसरी सम होता है वो प्रोवाइड कर देती है। और तो बेसिक इसका एम क्या था दोस्तों, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए उसमें 70% का रिबेट एप्लीकेबल था ऑन द सेस ऑन इंस्टॉलिंग जो द एफ्लुएंट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट। अब देखिए इसमें क्या था दोस्तों कि जैसे एक फैक्ट्री है, मान लीजिए एक फैक्ट्री ए है, तो अगर ये जो है वाट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट जो है वो
इस्टेब्लिश कर लेती है, यानी कि जो वाटर डिस्चार्ज है उसको ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आप इसे समझ लीजिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो है आप इसको समझ लीजिए, मान लीजिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेती है, तो इसे जो है रिबेट मिलेगी 70% तक की, किसमें जितना भी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये सेस टैक्स जो है वो बनाया उसमें जो है उनको पूरी तरीके से ये छूट मिल जाएगी। आइए अगला एक्ट जानते हैं, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 और इसका अमेंडमेंट जो 1987 का था, तो ये बेसिकली एम करता है टू हैव गुड क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट द कंट्रोल एंड अबेट द एयर पोल्यूशन इन द कंट्री, तो पूरा पूरा एयर पोल्यूशन को बेस्ड ये एक्ट था है मतलब। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट के जो थे वो वाइल्ड लाइफ वाटर एक्ट 1974 की तरह थे, मगर ये जो थे ये बेसिकली वो वाटर के लिए था, ये एयर के लिए है, तो इसने जो है अथॉरिटी जितनी भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी अथॉरिटी को जो है एयर पॉल्यूशन तक भी जो है इंक्रीज़ कर दिया, और इसके अलावा जो है जिस स्टेट में जो है वाटर पॉल्यूशन बोर्ड नहीं थे उनमें एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी जो है इस्टेब्लिश करने की बात कही गई। तो बेसिकली फॉर इंग्लिश मीडियम द स्टेट नॉट हैविंग वाटर पॉल्यूशन बोर्ड्स वर रिक्वायर्ड टू सेट अप एयर पॉल्यूशन बोर्ड्स। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए इस एक्ट में क्या होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जो कि ऑपरेट हो रही थी और जितनी भी इंडस्ट्रीज जो थी एयर पोल्यूशन जो है फैला रही थी उनको कंसेंट परमिट जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो था लेना पड़ता था। और इसके अलावा देखिए आगे क्या होता है, जो स्टेट होते हैं उनको अपनी एमिशन लिमिट जो होती है वो प्रिस्क्राइब करनी होती है फॉर और सेंट्रल जो बोर्ड है उनको जो है एयर क्वालिटी सेंट्रल को जो है एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो देने पड़ते हैं, जितने भी वो थी मतलब जितने भी आपके स्टैंडर्ड लिमिट थी। तो अब ये एक्ट क्या करता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको टेस्ट करने की सैंपल और जितने भी फ्लाई ऐश इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है वो करने की आपको पूरी वो देता था पावर। अब ये अमेंडमेंट एक्ट जो आया वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एयर मतलब एयर में अगर कोई डिफॉल्ट करता है उसको पूरी तरीके से बंद करने की जो पावर देता था। इसके अलावा देखिए सिटीजन सूट का प्रोविज़न इसमें इंक्लूड किया गया और इसमें जो होता था नॉइस पोल्यूशन को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो दोस्तों आगे जानते हैं, तो दोस्तों अगला एक्ट हो जाता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये दोस्तों बेसिकली एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन था जिसने कि सभी छोटे छोटे जो लॉज थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सॉरी एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट इन सभी को जो है एक अम्ब्रेला यानी कि देखिए ये वाटर कंट्रोल एक्ट है ये पोल्यूशन है तो ये पूरा आ गया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जिसके अंतर्गत ये सभी सब पार्ट जो हो गए ये आ गए। तो इसमें बेसिकली एक प्रिवेंशन और कंट्रोल पोल्यूशन को करने के लिए बेसिकली ये एक्ट आया, इसने जो है एक इफेक्टिव मशीन इस्टेब्लिश की और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि आप कंट्रोल और अबेट कर सकते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को। और ये जो लोकस टेंडाई की पोजीशन थी जहाँ पे कि बहुत सारे एक्ट जो थे आ रहे थे उनको जो है इसने दूर करने का काम किया। इसके अलावा देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या थी, इसमें इस एक्ट के अंतर्गत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कैन इशू एंड रेगुलेट कोई भी इंडस्ट्री ऐसी जो कि पॉल्यूशन फैला रही थी उसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि आप जाके उसको क्लोज कर सकते हैं और इसमें कोई भी कोर्ट के ऑर्डर की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसी के अंतर्गत जो है प्रोविज़न आया था एनवायरमेंटल ऑडिट का यानी कि आज जिसे बोलते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA जिसे बोला जाता है। तो इसके अलावा देखिए सुप्रीमेसी ऑफ प्रोविजन ऑफ EPA ओवर ऑल एक्ट्स इसमें क्या हुआ था, जैसे मैंने बताया कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वाटर पोल्यूशन एक्ट और एयर कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल एक्ट जितने भी एक्ट थे ये सभी एक्ट जो है आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए इको सेंसिटिव जोन इसके अंदर डिक्लेयर किए गए। इसके अलावा देखिए ये एक्ट जो है ऑल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जो है अंडर द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जितने भी हैजर्डस सब्सटेंस थे उन सभी के ऊपर जो है ये लगाम लगाने की बात करता था। इसके अंतर्गत जो है कुछ बॉडीज़ बनाई गई थी जैसे कि GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये जो है 1989 में जो है इस बॉडी का जो है गठन किया जाता है जो कि बेसिकली विच इज़ एनवेसाइज्ड विद द गोल टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट नेचर
हेल्थ इन कनेक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या था, जैसे कि अभी भी होता है कोई भी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइज जीएमओ है अगर, तो ये जीएमओ को जो है आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से टू बी सोल्ड इन इंडियन मार्केट। तो इसके अलावा देखिए ये सारे एरिया ऑफ रिसर्च को कवर करता था इन द एप्लीकेशन ऑफ जीएमओ एंड देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द ट्रायल्स एंड सीड प्रोडक्शन। देखिए वही मैं बोल रहा था, जीएमओ से जितने भी जीएमओ के एप्लीकेशंस थे उनके ऊपर जो है ये लगाम लगाता था। उसके अलावा देखिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल आ जाते हैं जिसमें कि डेडलाइन सेट की जाती है टू फेज आउट ऑल द ODS बिसाइड्स रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन। इसके अलावा जो है ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो है ODS में जो है लगाम लगाने की बात की जाती है। 2001 में जो है हेलोन्स में लगाम लगाई जाती है, उसके बाद 2003 में CFC पर तक CFC तक, उसके बाद कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिथाइल क्लोरोफॉर्म 2010 तक जो है फेज आउट करने की बात कही जाती है, मिथाइल ब्रोमाइड को 2015 तक, HFC को जो है 2040 तक जो है टोटली फेज आउट करने की जो है बात की जाती है। वहीं देखिए अगली जो बॉडी बनती है इसके अंतर्गत वो बनती है नेशनल गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर और रिसोर्स के अंतर्गत बनाई जाती है टू सेफगार्ड द बेसिन विच फीड्स द वाटर इनटू गंगा बेसिन। तो मतलब पूरी गंगा के बेसिन में जितनी भी रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज जो है पानी भेजती हैं उन सभी को जो है सीबेट उनका क्लियर रखने के लिए जो है ये गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाई जाती है। और इसने गंगा को जो है नेशनल रिवर भी डिक्लेयर किया इंडिया का, और इस जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है उसके चेयरपर्सन कौन है, PM है। तो दोस्तों ये सभी बॉडीज़ जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो शायद आपके प्रीलिम्स के 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो फंसा दे। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए डाइवर्सिटी एक्ट होता है 2002, उसमें वो लाया जाता है 2002 में। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ऑब्लिगेशंस जितनी भी CBD के अंदर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो थी उसके अंतर्गत जितनी भी ऑब्लिगेशंस थी उनको फुलफिल करने के लिए ये लाया जाता है। और इसका बेसिक एम होता है कंजर्वेशन, सुटेबल यूज एंड फेयर इक्विटेबल शेयरिंग। तो दोस्तों ये जो है मैंने येलो कलर से मार्क भी किया हुआ है, आप इसको जो है याद कर लीजिए। इसके अलावा देखिए इसमें 3-tiered सिस्टम होता है जो कि जिसके अंतर्गत जो होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है जो कि रिकमेंड करेगी किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को हेरिटेज साइट की तरह जो कि स्टेट नोटिफाई करेंगे, और फॉरेनर को जो है परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी ऐसे रिसोर्सेज को जो है यूज़ करने के लिए। इसके अलावा देखिए इंडियन सिटीजन एंटिटीज़ और लोकल पीपल जिसमें कि वेट्स और हकीम्स भी हैं उन्हें फ्री एक्सेस होगी टू द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन द कंट्री। और इसके अलावा जो है इसके मेडिकल यूज़ और रिसर्च के लिए भी जो है पूरी तरीके से छूट रहेगी। और इसके अलावा जिन लोगों को जो इन लोगों को जो है IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जो है पहले अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा देखिए इसमें जो भी मनी जनरेट होगी वो उसे नेशनल डाइवर्सिटी फंड में डालना ज़रूरी होगा। इसके अलावा देखिए कोई भी चीज़ जो कि यूज़ की जाएगी कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज वेयर रिसोर्स हैव बीन एक्सेस्ड, तो ये जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जो है कंसल्टेशन के बाद ही दी जा सकेगी। और इसमें जो है सिविल कोर्ट जो है ज्यूरिसडिक्शन की पावर जो है वो रखता है। इसके अलावा जो सेकंड टायर था, मैंने बोला था 3-tiered है, तो सबसे पहले आ गया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, फिर आया स्टेट बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो अब स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करेगा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कमर्शियल पर्पस के लिए, और ग्रांट ये जो है अप्रूवल ग्रांट करेगा एट स्टेट लेवल। वहीं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ जो हैं वो इसके नीचे आ गया। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है उसका काम क्या होगा, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ और डॉक्यूमेंटेशन इन सभी का। और NBA और SSB स्टेट बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो हैं वो कंसल्ट करना था BMC से यानी कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी से टू टेक ऑल इट्स डिसीजन। तो ये क्या कहलाएगी, नीचे से ऊपर, इसे कहेंगे डाउन टू अप अप्रोच कहेंगे हम। और इसमें जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है सेट किया गया फॉर प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, और CSIR और TKDL को इसमें जो है पावर दी गई। CSIR क्या है दोस्तों, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके अलावा जो है TKDL को जो है पावर इसमें दी गई। तो आगे जानते हैं
तो 1980 में क्या होता है दोस्तों, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है जो कि लैंड यूज़ इन केस ऑफ फॉरेस्ट और डेवलपमेंट के, उसमें अगर जो है अगर कोई फॉरेस्ट का लैंड लिया जा रहा है तो उसमें जो है उसका दुगना अमाउंट जो है डिपॉजिट किया जाना था। और ये एक्ट जो है कंसोलिडेट करने के लिए बनाया गया ऑल लॉज रिलेटेड टू फॉरेस्ट। इसके अलावा देखिए जितने भी ट्रांजिट फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे और उन सभी में टिम्बर के अलावा जितनी भी वो थे उनमें एक निर्धारित ड्यूटी जो है वो लगाई गई। इसके अलावा देखिए इसमें चार टाइप के फॉरेस्ट जो है डिफाइन किए गए, प्रोटेक्टेड, विलेज, रिजर्व और प्राइवेट। यानी कि सबसे पहला प्रोटेक्टेड, फिर विलेज, फिर रिजर्व और प्राइवेट। तो रिजर्व फॉरेस्ट किसे कहते थे, वो जो कि स्टेट द्वारा डिक्लेयर किए गए थे और इसमें जो है जो भी प्रोड्यूस थे फॉरेस्ट के वो जो है सेल किए जा सकते थे। और इसके अलावा जो है इसमें जो है अनऑथराइज्ड एक्टिविटी जो है पूरी तरीके से पनिशेबल थी। वहीं विलेज फॉरेस्ट जो है रिजर्व फॉरेस्ट जो कि विलेज कम्युनिटी को असाइन किए गए थे, वहीं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो वैसे फॉरेस्ट थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किए गए थे। और यहाँ पर जो है ट्री फेल करना, यहाँ से जो है माइनिंग क्वेरिंग करना और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को निकालना जो है पूरी तरीके से बैन था दोस्तों। इसके अलावा देखिए इसमें जो है प्रायर कोई भी फॉरेस्ट डिक्लेयर करने से पहले जो है सेंटर की प्रायर अप्रूवल ज़रूरी थी और फॉरेस्ट को यूसेज में देने के लिए भी जो है फॉरेस्ट मतलब पूरी सेंटर की जो है इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी। वहीं फॉरेस्ट ऑफिसर्स और उसके स्टाफ को जो है एडमिनिस्टर भी जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दो वो 1980 में जो है के हिसाब से जो है किया जा रहा था। इसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट भी आता है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या होता है, 2006 में जो होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट आ जाता है जिसमें कि जो भी मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो इसमें क्या होता है तीन तरीके की कैटेगरी डिफाइन की जाती हैं। एक फॉरेस्ट ड्वेलर थे, एक अदर फॉरेस्ट ड्वेलर थे और एक थे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। तो ये तीन कैटेगरी जो है डिफाइन की गई थी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कंपेंसेशन ऑफ लॉसेस जो भी होता है टू द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स इसमें जो है दिया जाता है। इसके अलावा देखिए कंजर्वेशन और लाइवलीहुड जो पीपल का होता है उसे वो किया जाता है। वहीं जो है स्टेट को जो है यूनियन टेरिटरी को जो है ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी होती है कि आप जो है इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वहीं जो है ये जो है LHG, LLH सिक्योरिटी ऑफ द पीपल जो है वो पूरी तरीके से जो है स्ट्रेंथन करता है। वहीं जो है कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के इश्यूज को जो है वो स्ट्रेंथन करता है और ये रिकग्नाइज करता है कम्युनिटी राइट को, RT प्रोटेक्ट करता है। वहीं रीजनरेट कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स, तो राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रेडिशनल नॉलेज भी जो है ये रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा देखिए राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ एंड राइट्स ओवर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी जो है ये रिकॉग्नाइज करता है। तो इसमें जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है और ये जो है बोथ स्टेट मतलब ST और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था तीन तरीके के जो हैं वो जो है इसमें डिफाइन किए गए थे, इन सभी को जो है एप्लीकेबल था। उसके अलावा देखिए ये जो है मैक्सिमम लिमिट जो है इसमें फॉरेस्ट राइट में जो है रिकॉग्नाइज करने की जो लिमिट थी वो 4 हेक्टेयर थी। इसके अलावा देखिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है इसके अंतर जो है रिकॉग्नाइज किए गए थे। इसके अलावा देखिए माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर जो है जो जिसमें कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको भी डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली उसको भी जो है डिफाइन किया गया। इसके अलावा बैम्बो, बुश, वुड, स्टम्प, केन, तुसर, काकून्स, हनी वैक्स, लैक, तेंदू लीव्स एटसेट्रा जो है ये भी जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो है डिफाइन की गई। तो राइट्स जो हैं हेरिटेबल हैं और ये जो है नॉन ट्रांसफरेबल हैं और नॉन एलिनिएबल राइट्स जो हैं ये दिए गए थे। वहीं जो है ग्राम सभा को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया इसमें जो है टू डिटरमाइन द नेचर एंड ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स एंड बोथ ST एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स शेड्यूल ट्राइब्स और अदर फॉरेस्ट ट्रेडिशनल ड्वेलर्स की जो भी राइट्स हैं वो ग्राम सभा डिसाइड करेगी। तो इसके लिए जो है जो स्टेप्स फॉलो करने थे वो इसमें रिसेटलमेंट को जो है साइंटिफिकली कंसल्ट किया जाना था। इसके अलावा देखिए लोकल को जो है एग्री होना चाहिए रिसेटलमेंट के लिए। इसके अलावा देखिए कंपेंसेशन के अलावा जो है इसकी जो LLH जो है इसमें प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसके जो है वाइल्ड लाइफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है नोटिफाई किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज इन कंसल्टेशन विद ग्राम सभा। और जो इसमें पूरा PA है
जो कि मतलब प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वो अनडैमेज रखा जाना चाहिए फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो मुझे लगता है फॉरेस्ट राइट एक्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगला एक्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। तो इसमें जो है, इससे जो होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो है स्थापना की जाती है, और इसका काम क्या होता है, एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द केसेज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा देखिए, ये जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है इनेक्ट किया गया था, जिसमें कि सबको राइट है, राइट टू आ हेल्दी इन्वायरमेंट। तो इसका जो मैंडेट है, इसमें इसको जो है 6 महीने के अंदर जितने भी केसेस ऑफ अपील्स आते हैं उनको जो है पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो इसमें जो है कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो है अप्लाई होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो ये एनजीटी जो है बाउंड नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट 1982 के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें क्या होता है, कई बार जो होता है इसमें एविडेंस डिफाइन होते हैं कि कोर्ट कौन कौन से जो है एविडेंस को जो है एज अ एविडेंस जो है मानेगा, मगर एनजीटी इसमें जो है बिल्कुल बाउंड नहीं है। और वो जो है इट कैन टेक दस मेकिंग इट ईजियर फॉर द कंजर्वेशन ग्रुप्स टू प्रेजेंट फैक्ट एंड इश्यूज जस्ट लाइक एंड इट फॉलोज PNJ यानी कि प्री मैच्योर नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस के लॉ को जो है ये फॉलो करती है। इसके अलावा देखिए, ये जो है पूरे एक्ट्स के लिए डील करती है, जो कि एयर वाटर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी एक्ट। देखिए अम्ब्रेला एक्ट EIA था, इसके ऊपर जो है एक बॉडी जो बनाई गई वो NIA बनाई गई। तो NIA किसके अंतर्गत एक्ट करेगी, वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA के अंतर्गत जो है काम करेगी। उसके लिए जो है मतलब जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग और जितने भी सब्जुडाइज लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ये काम करेगी। और देखिए अगर कोई इसका ब्रीच करता है तो इसमें क्या हो सकता है, SC स्टॉप्ड इट फॉर्मिंग वन मेंबर बेंचेस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल लास्ट ईयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर जो है इसमें वन मेंबर बेंच को नोटिफाई करने के लिए जो है रोक लगा दी थी। इसके अलावा जो इसका चेयरपर्सन है वो कंस्टिट्यूट करना चाहिए मोर देन टू मेंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन जुडिशियल मेंबर एंड वन एक्सपर्ट मेंबर। तो ये इसकी बेसिक क्राइटेरिया थे। और इसका चेयरपर्सन कोई भी हो सकता है विद 25 ईयर एक्सपीरियंस इन लॉ इन एडिशन टू द रिटायर्ड जजेस। तो दोस्तों मुझे लगता है एनजीटी एक्ट जो है वो आपके समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा देखिए, कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो जो है नोटिफाई किए गए थे, जो कि सीज, बेज, एस्चुरीज, क्रीक्स, रिवर्स, बैक वाटर्स जो कि टाइडल एक्शन से इन्फ्लुएंस थे, इन सभी के ऊपर लागू होता है। तो नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है और स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो जो है एनक्रोचमेंट और मॉनिटरिंग की CRZ नोटिफिकेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी। इसके अलावा इसमें जो है क्लासिफिकेशन किया गया रेगुलेटरी नॉर्म्स को CRZ जो कि इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन्स थे, जहाँ पे जो है हाई टाइडल इन्फ्लुएंस है और लो टाइडल इन्फ्लुएंस है, ऐसे जोन्स को कहा गया इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है प्रोहिबिट था, जो कि कुछ चीज़ों को छोड़ के जो कि मोस्ट एसेंशियल एक्टिविटी थी, जो कि जैसे कि एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स, डिफेंस रिक्वायरमेंट, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट, डिस्पोजल ऑफ ट्रीटेड एफ्लुएंट्स, पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज एटसेट्रा। वहीं जो है CRZ जो है बिल्डअप एरिया है, जहाँ पे कि जो कि डेवलप किया गया है शोर लाइन के पास, जहाँ पे कि सारी डेजिग्नेटेड अर्बन एरियाज़ में जो है सस्टेनेबिलिटी बिल्ट की गई थी, वहीं जो है बिल्डिंग परमिट की गई थी इसमें ऑन द लैंडवर्ड साइड, और जितने भी एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज़ थे उसमें जो है स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए। वहीं जो है CRZ 3 जो है वो रूरल एरियाज़ के लिए जो है डिफाइन करता है। तो ये रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरिया हैं, जो कि CRZ 1 और CRZ 2 के कोस्टल रेगुलेशन 1 और कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 के अंतर्गत नहीं आते, जो कि 200 मीटर फ्रॉम STL जो है MR किए जाते हैं, और इसमें कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो काम नहीं करती है, इसमें मतलब डिफाइन नहीं की गई है। इसके अलावा देखिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जो है परमिटेड विद इन दिस जोन एक्सेप्ट फॉर रिपेयर्स एग्जिस्टिंग अथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है परमिटेड है, इसके अलावा जो है रिपेयर टू ऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर भी जो है इसके अंदर किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, डेवलपमेंट ऑफ वैकेंट प्लॉट्स 200 to 500 meters इन STL परमिटेड फॉर CRZ 3, जिसमें कि पर्पस क्या होगा, ड्वेलिंग यूनिट्स और होटल ब्रिज रिसोर्ट एटसेट्रा फॉर द सर्टेन कंडीशंस। वहीं जो है CRZ 4 वाटर एरियाज इसको डिफाइन करता है, जो कि बेसिकली क्या डिफाइन करता है दोस्तों, ये डिफाइन करता है सी और टाइडल इन्फ्लुएंस को जो कि वाटर बॉडीज पर जो है करेंगे, और इसके अंतर्गत जो है ट्रेडिशनल फिशिंग और अदर एक्टिविटीज़ को जो है लोकल गवर्नमेंट को जो है स्पेसिफाई किया गया है। वहीं जो है अनट्रीटेड सीवेज और एफ्लुएंस और पॉल्यूशन और ऑयल ड्रिलिंग जो है इसमें जो है लेट ऑफ किए जाएंगे या फिर डंप नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों आगे जानते हैं,
दोस्तों इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की हम बात करते हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेटर अंडरस्टैंडिंग करती है इन्वायरमेंट की, इसके अलावा आइडेंटिफाई करती है कंटेंशियस इशूज और उनको सॉल्व करती है, इसके अलावा जो है डिस्प्यूट्स को जो है पूरी तरीके से जो है डिक्रीज करती है, वहीं कॉर्पोरेशन ऑफ लोकल पीपल्स ट्रांसपेरेंसी लाती है और सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द अमंग द रेसिडेंट्स लाती है। तो दोस्तों इसके अलावा देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज, तो एनिमल वेलफेयर जो बोर्ड है वो सेटअप किया गया था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी इन एनिमल एक्ट 1960, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करती है। वहीं सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1991 के अमेंडमेंट से जो है बनी थी, जो कि देखती है कि फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द जू और ये रिकोगनाइज करती है जूज को, इसके अलावा जो है परमिशन देती है एक्विजिशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और रिकोगनाइज करती है जितने भी ऑफेंसेस है उनको। इसके अलावा देखिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत बनाई जाती है, ये फैसिलिटेटिव रेगुलेटर और एडवाइजरी रोल प्ले करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो है ये बेनिफिट शेयरिंग कंडीशंस जो है इम्पोज करती है और ये इंश्योर करती है कि लोकल नॉलेज ऑफ द पीपल जो है वो इंश्योर की जाए। इसके अलावा जो है रिकमेंड करती है बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ को जो कि नोटिफाई किए जाते हैं हेरिटेज साइड बाय द स्टेट्स। तो इसके अलावा देखिए फॉरेनर्स को जो है इसमें परमिशन लेने की ज़रूरत है, फॉरेनर्स को इसमें परमिशन लेने की ज़रूरत है फॉर टू हैव द रिसोर्सेज। उसके अलावा देखिए इंडियन सिटीजन्स लोकल एंटिटीज़ और पीपल हकीम्स जो है इनको फ्री एक्सेस होगी फॉर द मेडिकल पर्पसेस, ये बात मैंने पीछे भी डिस्कस की है। और इसमें जो है कोई भी प्रायर अप्रूवल, इसमें एक प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी बिफोर अप्लाइंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और इसमें जो है इसको जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है एक सिविल जज सिविल कोर्ट की जो है पावर जो है इंटरेस्टेड है ये सिविल कोर्ट की पावर से। तो इसके अलावा देखिए वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो जो है स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये जो है एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट के प्राइमरी और अदर एजेंसीज़ को, और इसका जो बेसिक काम है वो ये है कि टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन लुक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा जो है ये सर्टिफिकेशन इट अवार्ड्स द सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट बाय द साइट्स इन 2017 फॉर एग्जेम्पलरी एनफोर्समेंट और एक्शन एंड कम्बेट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इसके अलावा जो देखिए ये इंटरपोल से जो है कोऑर्डिनेट करते हुए जो है इसने ऑपरेशन थंडरबर्ड जो है लॉन्च किया था फॉर द मल्टी नेशनल एंड मल्टी स्पेसिफिक स्पेसीज ऑपरेशन। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो दो अथॉरिटीज़ थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो जो कि हमने अभी डिस्कस की थी तो अब इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि एक एनजीओ है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ थ्रू कॉरपोरेशन विद द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़। इसके अलावा देखिए स्पीसीज़ रिहेबिलिटेशन और प्रिवेंशन ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है इस पे ये काम करती है। इसके अलावा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है ये एक एनजीओ है जो कि एंगेज है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में और ये सपोर्ट करती है रिसर्च एफर्ट्स को और इसमें ग्रांट जो है पब्लिश होते हैं जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अंतर्गत। इसके अलावा जो है ये ऑर्गेनाइज करती है और कंडक्ट करती है नेचुरल ट्रायल्स और कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक। वहीं जो है कांपा जो है कैंपा जो है यानी कि कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, तो ये जो है कांपा जो है ये बनाया गया आफ्टर द डाइवर्जन ऑफ एनी फॉरेस्ट, ये किसने बनाया गया दोस्तों कि आफ्टर द डाइवर्जन ऑफ एनी फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट यूसेज अंडर द फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन एक्ट 1980, सो इट अमाउंट्स फॉर शैल बी रियलाइज टू द एजेंसी फॉर द कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन एंड द मेजर्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सच लैंड। तो कांपा के अकॉर्डिंग जो था जैसे कि मैंने इंडस्ट्री बनाने के लिए एक EIA के अकॉर्डिंग मैंने फॉरेस्ट लैंड लिया तो जो है इसमें जो है मुझे कांपा के अंदर जो है कुछ फंड जमा करना होगा जो कि उस एरिया के निर्धारित फॉरेस्ट लैंड के बराबर होगा जो कि उतना खर्चा जितना कि रिस्टोर करने में आएगा उतनी कंपलसरी अफॉरेस्टेशन जो मुझे EIA के अंतर्गत करना था। तो ये बिल 2015 में जो है लाया जाता है। तो ये जो बिल है ये कंस्टिट्यूट करता है एक अथॉरिटी बोथ नेशनल स्टेट लेवल पे टू एडमिनिस्टर एंड यूटिलाइज ऑफ द मनी कलेक्टेड, तो ये फंड जो है रिसीव पेमेंट फॉर कंपलसरी एफॉरेस्टेशन
एनपीवी ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि नए तरीके से जो है फॉरेस्ट को बनाने की। इसके अलावा जो है अदर प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिक पेमेंट्स, और ये 10% से नेशनल और 90% जो है स्टेट फंड जो होते हैं इसमें होते हैं, जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और स्टेट के अकॉर्डिंग जो है यूज़ किए जाते हैं। वहीं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो है बात कही जाती है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में, जो कि एम्फेसाइज करती है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़। वहीं दोस्तों क्या होता है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज़ जो हैं वो सेटअप होती हैं टू मैनेज द प्रोटेक्ट मैनेज और प्रोटेक्ट द शेयरिंग द कॉस्ट बेनिफिट। इसके अलावा देखिए लोकल प्रिजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड गेट एक्सेस टू द टिम्बर एंड सम शेयर ऑफ द टिम्बर प्रोड्यूस। तो दोस्तों ये जो बेसिकली मैं जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कनिष्क कटारिया के नोट्स से जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स हमने चुनकर उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये निश्चिंत रहिए कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो देखिए सोशल फॉरेस्ट्री की जो है बात जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सोशल फॉरेस्ट्री जो है टू टेक प्रेशर ऑफ द फॉरेस्ट एंड मेकिंग यूज़ ऑफ ऑल अनयूज्ड एंड फेलो लैंड। तो उसके अलावा जो है मीटिंग द ग्रोइंग डिमांड ऑफ 5F, तो ये 5F आप हमेशा याद रखिए, फ्यूल वुड फूड फर्टिलाइजर फॉडर एंड फाइबर। तो ये जो है इसको कैटेगराइज किया जा सकता है फार्म फॉरेस्ट्री, जो कि इंडिविजुअल प्लांट और ओन फार्मलैंड्स जो है वो करते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड शेड एक्ट विंड शेल्टर प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड यूटिलाइज ऑफ वेस्टलैंड। इसके अलावा जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री रेजिंग ट्रीज ऑन कम्युनिटी लैंड प्रोवाइड फॉर एंटायर कम्युनिटी। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स बट कम्युनिटी हैज़ टू मैनेज। इसके अलावा देखिए एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री अलॉन्ग द रोड साइड रेलवे कैनाल्स एट्सेट्रा। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री को डिफाइन किया गया रेजिंग ट्रीज मेनली फॉर द रिक्रिएशनल पर्पस। अब देखिए इकोमार्क की जब हम बात करते हैं, इकोमार्क क्या है दोस्तों, इकोमार्क जो है BIS द्वारा जो है स्टार्ट किया गया, जो कि प्रोडक्ट एटलीस्ट हैव इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। इसके अलावा देखिए इसका स्कोप पूरे नेशन वाइड स्कीम में है, और प्रोडक्ट्स जो है हाउस होल्ड और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दोनों ही इसमें आते हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल कन्वेंशन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर हम इसको अभी डिस्कस करेंगे तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, और शायद जो है आप लोगों के लिए देखना इसको बहुत मुश्किल हो जाए। इसके अंतर्गत हम कोई भी ये दो वीडियो के अंतर्गत जो है हम ये नहीं करेंगे कि आपका कोई भी चीज़ इसके अंतर्गत जो है छूट जाए। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बस उसमें इतना ही, आगे हम आपके लिए ये जो वीडियो लाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है।